Hi everyone, let's come to question number 36 and the students who are watching this video for the first time, please refer the description below and download the question file. Question number 36 salary ka question hai, chaliye dekhte hain kya kehta hai. Mr. Nautiyal is a salaried employee, furnishes the following details for the financial year 18-19. Basic salary 6 lakh, you know basic salary is fully taxable, DA is fully taxable, commission again fully taxable, entertainment allowance is a personal allowance and it is fully taxable. आपको पता है ग्रॉस सैलरी के बाद एक डिडक्शन भी मिलती है सेक्शन 16 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस. 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की है ग्रॉस सैलरी, व्हिच एवर इज लोअर. 16(2) अगर आपको ये सेक्शंस याद नहीं है तो सिर्फ 16 ही याद कर लीजिएगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती है. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलने वाली है. अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है तो यू विल नॉट कंसिडर हिम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई. अभी तो फिलहाल हम एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरी तरीके से टैक्सेबल करेंगे. मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस पहले होता था, अब अमेंडमेंट आ गई है फॉर May 19 एंड November 19 एग्जामिनेशन, अब ये फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा. मेडिकल एक्सपेंसेस की पहले 15,000 की डिडक्शन मिला करती थी बट नाउ देर इज नो सच डिडक्शन, दिस 21,000 वुड बी फुली टैक्सेबल. प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अवर ग्रॉस सैलरी, वो हमारी सैलरी का पार्ट बनेगी. तो यहाँ पर 7,000 का प्रोफेशनल टैक्स है जिसमें से 50% एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो 3,500 आप अपनी ग्रॉस सैलरी की इनकम बना दीजिएगा क्योंकि ये हमें एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है, वो हमारे बिहाफ पर पे कर रहा था. और जितना भी अमाउंट पे हो जाता है दैट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. तो बाद में आप 7,000 की डिडक्शन दे सकते हैं बट पहले ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिएगा. उसके बाद लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एम्प्लॉय के लिए और उसके फैमिली मेंबर के लिए इट्स एन एग्जेम्प्ट परक्यूसिट, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी. गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन हिज बर्थडे, अगर आपको गिफ्ट वाउचर मिले हैं तो ये टैक्सेबल हो जाता है अगर इसका एग्रीगेट 5,000 से ज़्यादा का है. अगर इनफैक्ट ये कैश वाउचर है, कैश वाउचर मतलब कैश गिफ्ट तो फुली टैक्सेबल होगा बट अगर इसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है देन अगेन इट इज़ फुली टैक्सेबल. ऑल दो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि 12,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, 7,000 टैक्सेबल कर सकते हैं, बट मैं अभी इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो कर रहा हूँ विच सेज अगर 5,000 से ज़्यादा है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा. आगे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, वहाँ पर नाम भी की जगह प्लीज़ आप नोटियाल कर लीजिएगा. तो इनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करा है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होता जो पहले पे कर चुके थे दैट इज एन एग्जेम्प्ट परक्यूसेट, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है दैट इज टैक्सेबल. लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, अगर घर पर लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज एन एग्जेम्प्ट परक्यूसेट. अब घर पर इसको कोई भी यूज करे, जनरली एम्प्लॉयर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी थोड़ा तंग कर सकें, आज प्रेजेंटेशन बनानी है या कुछ और करना है, तो वो मेनली अपने ऑफिस के काम के लिए आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ऑफिस का काम भी थोड़ा बहुत घर से कर लेंगे, तो दिस इज नॉट अ पर्सनल परक्यूजिट, इट इज एग्जेम्प्ट. चाहे भले ही घर में आप इससे मूवी भी देख रहे हो पर दिस इज एन एग्जेम्प्ट परक्यूजिट. तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके चिल्ड्रन भी उसको यूज करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एन एग्जेम्प्ट परक्यूजिट. आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ टाटा नैनो कार which was provided to the assessee both for official and personal use, no driver was provided and the engine capacity is less than 1.6 liter cc. आपको पता है if a car is provided a small car up to 1.6 liter cc both for official and personal purpose, इसके लिए fixed perquisite है 1800 per month. अगर driver भी provided होता तो 900 भी add कर देते but here no driver is provided तो 1800 per month into 12 taxable कर देंगे. आगे लिखा हुआ है एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये 100% ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, बट क्योंकि यहाँ पर कार्ड क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, हमने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है जिससे आप पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ये दिस अगर ये 100% ऑफिशियल होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता बट नाउ इट इज टैक्सेबल, तो इसको टैक्सेबल कर दीजिएगा. इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ग्रॉस सैलरी निकालिए, सेक्शन 16 की डिडक्शंस दे दीजिएगा. यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, दो डिडक्शन ही मिल पाएंगी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की क्योंकि ग्रॉस सैलरी 40,000 से ज़्यादा है और दूसरी डिडक्शन मिल पाएगी
इनको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की जो पे हुआ है 7,000 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।